सो फाइनली अभी हम लोग नीचे तक तो पहुंच चुके हैं, मतलब उखड़ा नीचे तक अच्छा। और ये देख सकते हो पीछे बाबा, वो देखो ऊपर चढ़ के, वो जो ऊपर ये है बाबा मंदिर, नहीं हम पूछ रहे वो क्या है जो लगा हुआ है ऊपर, बग्घी वो लगाने गए हैं बाबा। कबूल मतलब, कबूल मतलब जिसका मन्नत रहता है, हम तो देखा था जिसका मन्नत है वो ऊपर लगाता है। ऐसे भी तो मन लग रहा था, हर एक मंदिर के लिए अलग अलग रास्ते हैं। अभी अंदर पता नहीं, मैं पता नहीं अंदर मैं बना पाऊंगा या नहीं, बट कोशिश करूंगा। अच्छा दोनों को जोड़ रहा है ना इसमें, देखो वो जो पीछे है मंदिर, मैं अभी दिखाता हूं। शिव जी है और वो पीछे आपको दिख रहा है उसमें पार्वती जी है। अच्छा है भाई, तो बाहर से मंदिर पूरा मॉडर्न लग रहा है ना, अंदर जाएगा इतना पुराना टाइप का लगेगा ना। हाँ ये बात तो है कि अंदर से धीरे धीरे बहुत पुराना है। और क्या मैं बोल रहा था, अरे कुछ बोल रहे थे यार, भूल गए। हाँ कारपेट, ये देखो नीचे कारपेट लगा है। अभी हम लोग यहाँ जल चढ़ाएंगे फिर निकलेंगे, और आपको दिखाता हूँ कुंड जहाँ पे स्नान किया जाता है। अंदर मैं बना पाऊँगा या नहीं उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता बॉस, क्योंकि भीड़ बहुत होता है। ये बोल रहा है प्लीज़, ये देखो यहाँ पे प्लीज़, ये क्या हो रहा है पूजा, ये पूजा हो रहा है। सभी बाबा का स्थान है कि कौन काटेंगे, देखो यहाँ पे एक बाबा बैठे हुए हैं संकल्प करने के लिए। हम लोग अभी वहाँ से उधर पीछे दिख रहा ना, वहाँ से हम लोग यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगा, फिर भी अभी हम लोग बहुत जल्दी आ गए। ये महाकाल भैरव मंदिर देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब फिर भी अभी हम लोग बहुत जल्दी आ गए, नहीं तो जैसे कि सावन हम लोग फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों अगर घूमते ना, वो जो घूमने वाला था घूमते ना, तो कम से कम आज के टाइम पे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता, और सावन में 7 से 8 घंटा लग जाता दोनों फ्लोर बस पार करने। ये क्या पीछे का दरवाजा होता है लेकिन ये खुलते हैं बस सावन, ये सावन में सिर्फ खुलता है, अभी बंद पड़ा है। देखो अंदर है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा इससे अभी पंडा जी सिर्फ निकलते हैं, अंदर भी देना पड़ेगा। हाँ एसी भी लगा हुआ है भाई अंदर। ये है माँ संध्या मंदिर, ये देख रहे हो, ये जो है ये माँ भैरव, सॉरी माँ काल भैरव, और ये माँ संध्या टीका वगैरह करवाएगा। नहीं ये सही नहीं, ये सही नहीं, नहीं नहीं फाइनली माँ पार्वती का वो रहा सामने। तुम ध्यान दिया होगा कि बस यही मंदिर में बस ऊपर में बना। हाँ ये भी आप लोगों ने देखा होगा, पार्वती मिलन कराते हैं मुझे लगते हैं ऊपर। ये देखो जानकी किला, क्या क्या भाई इस पे सब ब्रांडिंग कर रखा है। माँ पार्वती मंदिर देखो वहाँ पे लिखा हुआ है शक्तिपीठ, और वहाँ पे माँ श्री नीलकंठ मंदिर है सर। अब हम लोग मंदिर में तो फिर मिलते हैं आगे। देख लो मंदिर पूरा भीड़, ये पुराना है रो चुका है, इसमें बेलपत्र जो वहाँ से उठाया था भाई मैंने पूरा भाई शिव जी को टच करके अंदर, शायद मैंने फिर भी वीडियो बना लिया, अलाव होगा या नहीं। अब पार्वती जी का मंदिर है उसमें जा रहे हैं हम लोग, ये पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें जाएंगे, आवाज़ थोड़ा कम है उसके लिए सॉरी भाई, इसमें तो भाई अथात भी है, इसमें मुमकिन नहीं है बहुत। चलो चलते हैं फिर। सो गाइस पूजा हो चुका है, पहले हम लोग इसमें गए शिव जी मंदिर में, उसके बाद पार्वती जी मंदिर में, उसके बाद कौन सा था वो, उसके बाद वो भैरव मंदिर वो सब, और सामने विष्णु मंदिर, लास्ट हम लोग महाकाल में गए, उसके बाद हम लोग का पूजा एंड हुआ। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और जो भी कुंड है आप लोग को देख, ये देखो ये क्या था, भूल गया बार बार, ये हम भूल जा रहे हैं क्या नाम, ये शिव जी का है शिव मंदिर। ये देखो शिव मंदिर और पार्वती मंदिर का जो मिलन करवाते हैं लोग, वो देखो हो रहा है ऊपर अभी होंगे। चलो
पहले कुंड पे चलते हैं ना। अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ कुंड जहाँ पे नहाया जाता है, बट हम लोग नहा के घर से वही जो वो शिव गंगा उसको बोलते हैं। सॉरी शिव गंगा चलिए और यहाँ पे देखो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, बोल ना बोलो ना। बोल बोलना तुम फर्स्ट टाइम करते यहाँ पे बंद कर दी क्या था ये कुआं यहाँ कुआं कुआं से यहाँ से आप जल ले सकते हो या फिर गंगा जी का। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया और चले गए वहाँ पे पीने का पानी का व्यवस्था भाई ये पूरा मतलब ये हॉल टाइप का जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो भजन वगैरह ये सब भी होता है। यहाँ का सबसे पक्का मतलब मेन गेट देवघर का गला में भाई ये देखो ये सब देखते जाओ। इधर बहुत फेमस है गंगा शाह का पेड़ा देखिएगा हर जगह लिखा हुआ देखिए गंगा पेड़ा भंडार जिसे ये क्या बोलते हैं पीयूष जिसे गंगा की इनपुट हुआ उसी टाइप से गंगा तिलकुट जैसे फेमस है उसी टाइप से ना नहीं नहीं। अभी हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे भाई क्या ही महाकाल की देख पेड़ा का मेकिंग चल रहा है बॉस। अभी हम लोग जाएंगे कहाँ जाने का देखो यहाँ पर्यटन बहुत बवाल लगे यहाँ पे आप खा भी सकते हो पूजा करने के बाद ये देखो। अरे ये सब लेंगे अभी या फिर बाद में अभी बद्दी वगैरह तो लेना ले लिए वो बस भाई और सिंदूर नहीं लिए सिंदूर लिए अच्छा हाँ और सब ले लिए कुछ लेने और कुछ देख ले कुछ लेने का नहीं देख लेते हैं बस तुम्हारे लिए ब्लैक वाला को लेना हाँ वही देख लेते हैं वो कहीं पे मिल जाएगा। चलो अभी जा रहे शिव गंगा देखते हैं शिव गंगा में आके ब्लॉग स्टार्ट होगा गाइस। अभी चलो शिव गंगा जाने बहुत दूर है देख सकते हैं कितना भीड़ है। फाइनली हम लोग वासुकीनाथ यहाँ से 37 किलोमीटर समथिंग दूरी पे है यहीं से जल लेना पड़ेगा क्या? नहीं यहाँ नहाते हैं पूजा ले जाने के लिए बोल रहे हैं जल लेंगे यहाँ से भी ले यहाँ यहीं से यही शिव गंगा। अरे जो तुम नहीं बोला था घर ले जाने के लिए वो तो यही ले यहाँ पे शुद्धिकरण हो रहा है ना यहाँ पे शुद्धिकरण देख रहे हैं वहाँ डेंजर का लगा हुआ है बोर्ड हाँ वहाँ पे देखो उसके आगे गया भाई अपना देखेगा जाल लगा हुआ है वो देखो ना जाल लगा हुआ नेट अच्छा कोई जाएगा ही नहीं ना चला जा ब्रो 1+ पनिया में लेके गए एप्पल के साथ नहीं है वो एप्पल के साइड में लगे रियलमी का फोन ओप्पो है रियलमी अली के लिए अब रियलमी से आने लगा। चलो वो इतना झगड़ा नहीं करना ये देखो इसमें जल ले जाने के लिए कहाँ से लेंगे चलो फिर अभी हम लोग बात करते हैं चप्पल वगैरह लेना हम जल ले पूजा खत्म और हम लोगों ने जहाँ पे चप्पल रखा था वहाँ से चप्पल ले लिया और अब हम लोग निकल रहे हैं जा रहे मतलब इसके घर पे क्योंकि पूजा खत्म वो कौन सा पहाड़ था रे वो तपोवन हाँ तपोवन हो सकता है मैं भी शाम में जाए या फिर कल निकलेंगे अभी फिलहाल पूजा डाल हुआ अच्छा खासा हुआ हाँ किसी एक जगह तो जाना ही है क्या बोल रहा था मैं आ जाओ स्पीड में आटे हाँ यहाँ पे कुछ भी हो या ना हो लेकिन भाई पंडा लोग लूट लेगा भाई हम लोग को तो पूरा फेरा में था खड़ा है पैसा है 500 दान करो ऐसे होता है का थोड़ा सा अपना मतलब समझदारी के साथ आओ ज़्यादा इधर उधर मत दिया करो दान जहाँ पे लगे कि हाँ देना है इच्छा है दो वरना मत दो सही है थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ सही था व्यवस्था है आप स्टे कर सकते हो अगर आप कांवड़ यात्रा के साथ आए हो फिर ऐसे अच्छा खासा था एक्सपीरियंस। मार्केट में भी बहुत सारे आपको तरीके से देखे चूड़ी इधर में भी चूड़ी आपको कंपटीशन इधर बल्ला कड़ा वगैरह हमने तो लिया है ये देखो जैसा था पहले तो डिटो वैसा ही सेम अभी फिर से मैंने लिया क्योंकि वो ख़राब हो चुका था छः सात लिया हूँ नहीं 6-7 नहीं 10 पक्का 10 लिया हूँ मैं हमेशा सेम क्योंकि क्या बोलते हैं ना
अच्छा लगता है पहनने में और बेस्ट है। यहाँ पे देखो भाई, हम लोग कहाँ से दे सकते हैं गाइस, ये मैं समझना कि ये हम लोग के पास है ही नहीं, खुद पढ़ते हैं, दूसरा को देने चले तो भाई देते रह जाएंगे, चाहे वो कितना भी मजबूर क्यों ना। अभी हम लोग घंटा घर के पास से फिर पकड़ेंगे। और तुम्हारा घर का लोकेशन क्या है रे? करनी बाग, शिवपुरी। हाँ, शिवपुरी जाएंगे, करनी बाग, सॉरी शिवनगर, शिवपुरी साला। हम भी छोटे शिवपुरी, शिवपुरी कहीं है लेकिन हाँ हाँ शिव शिव जी हाँ। यहाँ पर देखो खाना वगैरह भी आप खाते तो निकलने के बाद आज चले जाओ गाइस रात में चिकन, चिकन खाएंगे हम लोग। किधर घर जाना है क्या हो गया? तो अभी देखो, अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, उसके बाद आपको मार्केट अभी दिखाते हुए चलता हूँ, ठीक ना? तो अभी गाड़ी पकड़ लेता हूँ, बाबा ये रहा पिया। अब चलो गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखो यहाँ पर शराब। अरे यहाँ पर शराब मिलता है क्या? दारू बंद है? अभी बंद है, बैन है पूरा, बैन नहीं है, खुल गया, बैन था, बैन था, खुल गया। देख रहे हो सरकार यहाँ क्या जबर है, बस सबको पिला पिला के मरवा दे। मोटर हट जाओ रे, इधर आ जाओ। अभी हम लोग वहाँ से आए घंटाघर से, अभी सीधे पूछ ले कुंडा थाने पर जाइएगा, कितना लीजिएगा? दोनों का नाम दोनों का कितना? 30। चलिए चल रहा है। ये देखो यहाँ पे होटल है, अगर आप कहीं दूर से आते हो तो यहाँ पे स्टे कर सकते हो आप। देवघर में होटल 3 स्टार का होटल है बाबू। हाँ, हाजीपुर में भी तो है लेकिन यार 1 स्टार। अभी सॉरी मैं बोल नहीं रहा था, यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल यहाँ का सरकार, लेकिन हमको थोड़ा लगा है। देखो यहाँ पे कितना बड़ी स्ट्रीट, ये देखो भाई स्ट्रीट फूड। आयुष है मेरा दोस्त जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट करेगा स्ट्रीट फूड, अभी तो फिलहाल वो कुछ कर रहा है लेकिन उसके बाद वो वही करेगा। कैरी जैसे तैसे निकाल रहे, बहुत मिस कर रहे हैं हमारे जिगरी दोस्त आयुष को, जो कि अभी कोटा में है। ये देखो इसका घर भाई एकदम मस्त है, ये बाबा अरे ये गॉड का मंदिर है, हनुमान जी क्या क्या रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के यहाँ पर रात चलता है, ये लादे ये यहाँ का लोकल मार्केट है, छोटा सा ज़्यादा बड़ा। अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं घर पे, बाद में फिर आपसे बात करता हूँ, अभी क्या है करना है या फिर नहीं करना है। फिलहाल हम लोग आ गए बस स्टैंड, इसके यहाँ मतलब यहाँ पे देवघर बस स्टैंड है, वहाँ से इसका घर मतलब बहुत ही पास में है, वही 1 किलोमीटर समथिंग होगा, फिर आधा किलोमीटर, लेकिन लगता बहुत दूर है भाई, मतलब थोड़ा छोटा रास्ता जो होता है ना वो, इसके कारण थोड़ा दूर लगता है। अभी देखो ये भैया लेके चलेंगे जहाँ हमें जाना है। अरे अरे कितना सेफ हो रहा है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।